क्या है ये, और ये इतना खाती है लेकिन इसका खाया हुआ मैं बाहर का, मैं बाहर का खाना बहुत अवॉइड करती हूँ, ये बाहर का ही खाना खाती है और खा फिर खाती है और फिर इसका पेट हो जाता है खराब, फिर ये बाथरूम में जाने में रहती है और फिर ऐसी सड़े बाहर चलाती है जिसका जिसका कोई तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद और बहुत लेट में शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से जॉब पे जाती हूँ, उसके बाद शाम को आती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मैंने कल व्हाट्सअप पे और इंस्टाग्राम पे अपनी बहन की वीडियो शेयर की थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था और मेरे व्लॉग भी काफ़ी लोगों ने देखा था, तो मुझे आज ऑफिस में बोला था वैसे तो काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाती है तो बनाया कर, मैंने कहा ठीक है। तो आप सब लोग की डिमांड पर मैं आज फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, जिसे हम पहाड़ी में बोलते हैं गदवा साग, और उसके बाद बनाएंगे हम खीरे का रायता जो हम कहूँ काकड़ रैत। अब मैं लेके जाती हूँ इस वीडियो के अहम किरदार को जो बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरी बहन है। मेरे को आज बोला था कि रेसिपी तेरी और तेरी बहन की शक्ल दोनों सेम लगती है, यू आर ट्विंस, बट ये आप सब लोगों की गलतफहमी, हम ट्विंस नहीं हैं, मैं और वो बिल्कुल भी नहीं मिलते, हम सिर्फ झगड़े में हमारी झगड़े में ही हमारी मुलाकात होती है। आइए दिखाती हूँ उसको, यही है वो औरत जो कल डांस करती जिसे सब लोगों ने मेरे को समझा था बट वो मैं नहीं थी। जो मुखर्जी का तो मेरे को ये लाचा ये मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये है बहुत मोटी ताजी हट्टी कट्टी, मैं थोड़ा सूखी सा किसी हूँ, मैं हूँ बड़ी, ये है छोटी बट लगती ये है बड़ी, ये देखो ये मेरी तरफ बिल्कुल भी लगती है। मैं अपना सारा काम करके आ गई लेकिन ये अभी जैसी थी जैसे मैं आपको दिखा के गई थी ये वैसी ही तस से मस्त नहीं हो रखी है। जरा घिच खोल, पता तो लाग रहे थे कच्चे तू तू चुप के शहर से आज गाई सी, पता नहीं आज चुप क्यों रखी है, कैमरे पाते ही चुप हो गई है, पर ऐसा है नहीं कि चुप रहती है, ये बाहर मुंह नहीं खुलती लेकिन अंदर बहुत सारा मुंह खुलती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, गाइस देखो ये पताड़ पताड़ के अपना मुंह खोल के अब गंध निकाली, गोबर करेगी गोबर। इसने अपनी वीडियो में मेरी इतनी इंसल्ट की है, इतनी इंसल्ट की है, तू इंसल्ट करने लायक है। और मैं क्या कहना चाह रही थी पता नहीं, कि ये बोलती है कि मेरे को ये जब से इसने अपनी वीडियो में लाई तब से इसके वीडियो में व्यूज आने बंद हो गए हैं, तो हकला क्यों दिए और क्या बोलते हूँ, और इसके सब्सक्राइबर घट रहे हैं और क्या। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार इसको जरूर दिखाइए कि आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं कम से कम, अगर आप नहीं करते तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं इसके ब्लॉग में आऊं या ना आऊं, आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। गाइस प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज आप इज्जत है, इज्जत बताइए कि ना इज्जत है, ये बताइए मुझे, ये मेरी जो इंसल्ट करती है अपनी वीडियो में, और क्या मेरे आने से इसके व्यूज आ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और प्लीज प्लीज गाइस प्लीज जरूर कमेंट करना, जो मुझे पहचानता हो तो जरूर कर लेना और इसके वीडियो में जरूर नीचे से कमेंट करें कि मैं आऊं या ना आऊं, ये अच्छी एक्टिंग करती है या मैं। ऑफ कोर्स मैं, ऑफ कोर्स मैं, प्लीज दसवीं पंत ऐसी फेमस नहीं है हर जगह। और आप देख सकते हैं मेरा चैनल सर्च करके अभी होगा वैसे निधि पंत, इसके सब्सक्राइबर देखना, मेरे सब्सक्राइबर देखना, वो तो मेरी देन है, मेरी देन। और इसके इसके ये वीडियो पे व्यूज देखना, मेरे वीडियो पे व्यूज देखना, डांस को छोड़ के इसने भी ब्लॉग मारा, मैंने भी बना के व्यूज जरूर देखे हैं। तो गाइस अब व्यूज तो व्यूज है ना, वो डांस का है, वो किसी का भी आए, अगर आप किसी भी ट्रेंडिंग गाने पे डांस करोगे तो आपके आपके चैनल पे व्यूज आएंगे ही आएंगे। कोई ट्रेंडिंग गाना नहीं था, जो ट्रेंडिंग गाना नहीं था वो भी हरियाणवी गाने पे डांस करता है, मेरे गाने पे अच्छे खासे व्यूज है। मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि इसके गाने पे कितने वो है, इधर अगल बगल कहीं पे दिखेगा तो अगर मैं लगाऊंगी तो दिखेगा, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। मेरी एक वीडियो पे पूरे 11,000 व्यूज है गाइस, मेरे एक व्लॉग पे 1.3K व्यूज है गाइस, व्लॉग 2 मिनट की डांस वीडियो और 12 मिनट की व्लॉग में बहुत अंतर होता है, कैन यू इमेजिन दिस अंतर। गाइस जरूर बताइए इस अंतर को कि 2 मिनट की वीडियो और 12 मिनट की जो वीडियो है व्लॉग का उसमें व्यूज आने की इतनी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब वो शॉर्ट पे आए या लॉन्ग पे, अगर शॉर्ट पे व्यूज ज्यादा थे और व्लॉग पे थोड़ा कम आते क्योंकि अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं हूँ तो मेरे उसमें थोड़े कम व्यूज आते हैं। आप देख सकते हैं सच कड़वा होता है और यही सच है कि ये ऐसी ही है,
ये अभी थोड़ा अपना बिहेवियर दिखा नहीं दिया है, नहीं तो ये इससे भी खतरनाक चुड़ैल किस्म की औरत है। मैं बहुत मैं अपनी तारीफ अगली वीडियो में करूँगी। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए हैं इसके वाले भी, जो इसको पहचानते हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब करना, जो मुझे जानते हैं वो भी सब्सक्राइब करना, जो नहीं जानते वो भी सब्सक्राइब करना, ताकि मैं रोज़ रोज़ वीडियो लेके मैं कोशिश करूँगी मैं रोज़ वीडियोज़ लेके आऊँ और इसका थोड़ा आपको दिखाऊँ, ताकि मैं दिखाऊँ कि इसके थोड़े आने से मेरा कोई व्यूज़ आते हैं नहीं। बट गाइस कोशिश करना कि आज की वीडियो में ढेर सारी लाइक करना। ये क्या करती है, मैं इसके जो वीडियो देना ना अभी अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस ही लगाती है, क्या करती है चोरी चुप के मेरा फोन उठाती है और स्टेटस लगाती है। इट्स माय टैलेंट एंड इट्स माय हार्ड वर्क कि तुम्हें तुम्हारा थोड़ा दिखाना है, तुम्हारे दोस्तों को भी पता लगना चाहिए तुम कैसे हो एक्चुअली, तुम कैसे हो। खुद ही लिख देती है नीचे से कि गाइस ये मेरी दीदी का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। ऑफ कोर्स मैं इसकी दीदी हूं, बट मैं लगती हूं कि मैं इसकी दीदी हूं, ये मेरी दीदी रखती है मेरे को आते जाते जितने भी लोग अगर हम दोनों साथ में जाते तो ये घर ऐसी थी जब ये बड़ी थी मेरी दीदी से। मैं जब 12th में थी मैं सिर्फ 12th तक थी इतनी मोटी, उसके बाद मेरा वेट 40 सॉरी मैं आपका वेट बता नहीं सकती मेरा वेट कितना है। गाइस ये हमारे घर की परंपराएं हैं, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो जो बड़ा वाला था वो भी ठीक ठाक हो गया, छोटा वाला वो भी ठीक ठाक है। मैं और मेरे भाई पता नहीं हम खाना तो खाते हैं लगता है इन दोनों को। मेरे से दुगनी थी, दुगनी मैं जरूर दुगनी कभी दुगनी कभी, ये ऐसी थी ये अब ऐसी होती है, ये ऐसी मैं तो ऐसी थी भी नहीं, मैं खतरनाक थी ऐसी ऐसी थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्लिम 28-47 वेट। ये कुछ नहीं है वेट वेट, ये पतले लोगों को वरदान होता है, ये कुछ भी ठूस है। ये मैं रात को एक रोटी खाती हूँ आपको विश्वास आना, ये इधर 3-4 रोटी लेती है, इतनी भर के सब्जी लेती है और आप इसको देख सकते हैं दीदी को ये क्या है ये, और ये इतना खाती है लेकिन इसका खाया हुआ मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, बाहर का ही खाना खाती हूँ और फिर खाती है और फिर इसका पेट हो जाता है खराब, फिर ये बाथरूम में जाने में रहती है और फिर ऐसी सड़न बात चलाती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है, फिर पेट पकड़ के बैठ जाती है। तो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो रश्मि पंत ब्लॉग के साथ बने रहें और रश्मि पंत ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मैं मिलती हूँ आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।